हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेज और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप के बारे में डिस्कशन हम करने वाले हैं और हम बात करेंगे आज ग्रुप डिस्कशन के बारे में। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है, कंपनीज ग्रुप डिस्कशन क्यों कराती हैं, क्या स्किल्स और एबिलिटीज वो आपकी एसेस करना चाहते हैं और ग्रुप डिस्कशन में आप एस कैसे कर सकते हो, बाकी लोगों से अच्छा परफॉर्म कैसे कर सकते हो और क्या बेस्ट टिप्स हैं, कैसे ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज होता है, ये सारे टॉपिक्स में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना अगर आप ग्रुप डिस्कशन किसी भी कंपनी के लिए, इंटरव्यू के लिए या अपने कॉलेज एडमिशन के लिए या किसी भी पर्पस के लिए आप ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। और इस चैनल पर चल रही है 30 डेज जॉब सर्च चैलेंज सीरीज जिसमें मैं आपको 30 वीडियोस की हेल्प से मदद कर रहा हूं आपकी जॉब फाइंड आउट करने में। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए और 7000 रुपीज के वर्थ के कोर्स का फ्री बेनिफिट उठाइए। तो सबसे पहले समझते हैं ग्रुप डिस्कशन होता क्या है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है ग्रुप डिस्कशन, तो इस प्रोसेस में ग्रुप में लोगों को बैठा कर किसी आइडिया पे या किसी टॉपिक पे उनके आइडियाज और व्यूज दिए जाते हैं, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कहा जाता है और उनका इंडिविजुअल कैंडिडेट का वैल्यूएशन किया जाता है। ये सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कंपनीज ग्रुप डिस्कशन कराते क्यों हैं? तो बेसिकली माय डियर फ्रेंड, कंपनीज ग्रुप डिस्कशन कराने के 3 रीजन होते हैं। नंबर 1 इज वो आपके इंडिविजुअल ट्रेट्स को जानना चाहते हैं। नंबर 2 वो आपके ग्रुप बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। नंबर 3 इज आपका लीडरशिप पोटेंशियल को देखना चाहते हैं। तो ये तीनों चीजें क्या होती है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। इंडिविजुअल ट्रेट्स में वो आपके देखते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आपकी नॉलेज कितनी स्ट्रांग है, आपका आइडिया जनरेशन कितना बेटर है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होती है, अगर कोई आपसे आर्ग्यूमेंट करता है तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हो। ग्रुप बिहेवियर में बात आती है कि आपकी टीम वर्किंग एबिलिटी कैसी है, आप दूसरों के आइडियाज के कितनी रिस्पेक्ट करते हो, अगर कोई क्रिएटिव आइडिया लेके आता है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो या अगर आपसे बेटर आइडिया देने पर भी आप उसके आइडिया को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर देते हो। एंड थर्ड वन इज लीडरशिप स्किल्स। उसमें कंपनी देखना चाहती है कि आप क्या आपके अंदर लीडरशिप पोटेंशियल है, क्या आप टीम को लीड करके एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हो और कंपनी को वो थ्रू आउटपुट दे सकते हो जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि कंपनीज ग्रुप डिस्कशन क्यों कराते हैं। ग्रुप डिस्कशन कराने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन इज द किंग। जितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होता है उतना ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शनिंग होता है। किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम कंपनीज में कम्युनिकेशन चलता ही रहता है और जितने भी डिसीजन मेकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है या आइडिया जनरेशन हो या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो, वो कभी भी इंडिविजुअल पर्सन नहीं करता। इसके लिए हमेशा एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें कुछ लोग बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं और एक डिसीजन लेते हैं, चाहे वो कुछ भी, चाहे वो क्राइसिस मैनेजमेंट, चाहे वो नया प्रोजेक्ट लॉन्च करना हो, प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी हो या कोई क्राइसिस मैनेजमेंट की सिचुएशन हो। तो ग्रुप डिस्कशन आपके सिलेक्शन प्रोसेस में करा के काफी सारी आपकी एबिलिटीज और पोटेंशियल को कंपनीज जज करना चाहती हैं, इसलिए कंपनीज ग्रुप डिस्कशन कराती हैं। तो वैल्यूएशन क्राइटेरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या स्किल्स वो देखना चाहते हैं, तो उसी स्किल्स के बेस पे इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है कि आपकी इंडिविजुअल स्किल्स, ग्रुप स्किल्स और लीडरशिप पोटेंशियल कैसे हैं। तो अब बात करते हैं कि ग्रुप डिस्कशन ऑर्गेनाइज कैसे होता है और किस टाइप के टॉपिक्स दिए जाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में जैसे मैंने बताया आपको 5 to 10 मेंबर्स तक का एक ग्रुप बनाया जाता है, डिपेंडिंग कितने लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया और कितने लोगों को रिक्रूट करना चाहते हैं। देन उनको एक टेबल पर या एक सर्कल में बिठा दिया जाता है। आपका वैल्यूएटर जो आपका जज है वो हो सकता है कि उसी रूम में प्रेजेंट हो और हो सकता है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस की हेल्प से किसी रूम में, रिमोट लोकेशन या किसी दूसरे रूम में बैठ के आपको जज कर रहा हो। बात आती है टॉपिक की, तो जनरली ग्रुप डिस्कशंस में करंट अफेयर्स के टॉपिक ही दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स में आपका लोकल इश्यू हो सकता है, आपका नेशनल लेवल या स्टेट लेवल इश्यू और इंटरनेशनल इश्यूज भी हो सकते हैं। करंट इश्यूज में
चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, या दो कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, नेचुरल क्लाइमेटी के ऊपर डिस्कशन हो सकता है कि क्या करेक्टिव एक्शन लिए जा सकते थे। तो इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स आपको दिए जा सकते हैं। कई बार बहुत कन्वेंशनल टॉपिक भी ग्रुप डिस्कशन में देते हैं, जैसे कि स्मॉल इज ब्यूटिफुल। तो इस तरह के ग्रुप डिस्कशंस के टॉपिक, कन्वेंशनल टॉपिक्स के लिस्ट आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाएगी। किसी रिसोर्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात आती है आपको डिस्कशन करना कैसे। माय डियर फ्रेंड, आपको अगर भीड़ से अलग दिखाना है, अपने आप को एक्टिव शो करना है, तो डेफिनेटली आपको एक्टिवली पार्टिसिपेशन करना होगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि ग्रुप लीडर की तरह इमर्ज होइए। ग्रुप लीडर मींस जो ग्रुप में सबसे पहले बोलेगा और बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट के साथ डिस्कशन को स्टार्ट करेगा। ग्रुप लीडर का मतलब वो पर्सन जो ग्रुप को लीड करेगा। और ग्रुप को लीड करने का सबसे फर्स्ट इंडिकेशन क्या होगा कि अगर आप कम्युनिकेशन पूरे डिस्कशन को स्टार्ट करें बहुत ही बढ़िया फैक्ट के साथ। अगर आपके माइंड में कोई बहुत बढ़िया फैक्ट नहीं भी आ रहा, लेकिन फिर भी आपको जो बेस्ट फैक्ट लगता है उसके साथ आप डिस्कशन को स्टार्ट कीजिए, ताकि सभी का अटेंशन आपके ऊपर जाए। और जिस पॉइंट के साथ आप डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली उस टॉपिक पे आपकी नॉलेज अच्छी होगी और डिस्कशन उसी डायरेक्शन में फ्लो करने लग जाएगा। वहां आपको टाइम टू टाइम, अगर आप देखते हैं ग्रुप में कोई पर्टिकुलर पर्सन बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको चांस नहीं मिल रहा, तो उस पर्सन को पॉइंट आउट कीजिए, सभी को बोलिए कि ही वांट्स टू ऐड समथिंग, और वो भी कुछ कहना चाह रहा है, और सभी लोग शांत हो जाएंगे। और उस पर्सन को अगर बोलने का मौका मिलता है, तो ये भी आपको ब्राउनिश पॉइंट देगा कि आप सभी के पॉइंट्स को इंक्लूड करना चाहते हैं। एंड लास्ट में कंक्लूजन में आप जरूर पूरे डिस्कशन को समराइज कीजिए। अगर आप समराइज भी करते हैं, इनिशिएट भी करते हैं, लोगों को बोलने का चांस भी देता है और देते हैं, और साथ ही साथ अपने कुछ 4 से 5 सॉलिड पॉइंट्स रखते हो, तो ये आपको डेफिनेटली सिलेक्शन दिलाएगा। कंटेंट की बात करते हैं। जब भी हम किसी डिस्कशन की बात करते हैं, चाहे वो स्पीच हो, या फिर अगर हम किसी कंटेंट डिलीवरी की बात करते हैं, चाहे वो स्पीच हो, वीडियो क्रिएशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, या कोई भी कम्युनिकेशन के टेक्निक, अगर आपको अपने आप को बेस्ट प्रूव करना है, तो एक टॉपिक के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल हो सकते हैं, डेमोग्राफिकल हो सकते हैं, हिस्टोरिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। तो जितने मैक्सिमम पर्सपेक्टिव्स को आप टच करेंगे, उतना ही आपकी नॉलेज का फार एंड वाइड होना वैल्यूएटर को पता चलेगा। इससे आपको आपके पास आइडियाज भी डिफरेंट आएंगे। एक आइडिया को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो आप अपने आप को बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंट एंड गुड कम्युनिकेटर भी प्रूव कर सकते हो। तो ये जो टिप्स मैंने दिए, इससे क्या चीजें प्रूफ होती है। वन, यू आर लीडर। आपने इनिशिएट किया, आपने कंक्लूड किया, और आपने दूसरों को भी चांस दिया। टू इज इंडिविजुअल ट्रेट्स में आपने अपने सॉलिड पॉइंट्स रखे, आपने नॉलेज और आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस प्रूव हुआ। एंड थर्ड इज टीम एबिलिटी, उसमें आपने सभी को लेके चले। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ही बोलते रहे, आपने सबको चांस भी दिया, जो नहीं बोल पा रहा उसको भी चांस दिया, आइडियाज को आने दिया, और सबके आइडियाज को अच्छे से समझा, तभी आप एक समरी दे पाए। तो आपका ग्रुप बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर और लीडरशिप पोटेंशियल, ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से उभर कर आएगी और आपका ग्रुप डिस्कशन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ये टिप्स ना सिर्फ जॉब के लिए एप्लीकेबल है, बल्कि आपके किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए आप कर रहे हो, अगर आप मैनेजमेंट के लिए कैट और किस तरह आप एग्जाम दे रहे हो कॉलेज में एडमिशन के लिए, वहाँ भी ये यूजफुल है। अगर आप SSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो वहाँ पे भी ये टिप्स सेम टू सेम यूजेबल हैं। अगर आप स्पेसिफिकली कुछ टिप्स चाहते हो SSB के लिए या कैट के लिए ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए, एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर मैं ज़्यादा फोकस करके आपके लिए ग्रुप डिस्कशन पर लेके आऊँगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत 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 अच्छी लगी है और बहुत ही यूजफुल लगी है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अपने सभी दोस्तों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, कैट के लिए, एडमिशन्स के लिए या फिर SSB के लिए, उन सब के साथ शेयर कीजिए। डेफिनेटली वो आपको इस वीडियो के लिए थैंक यू जरूर कहेंगे। इस वीडियो, इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए। मैं इस पे बहुत सारी ऑलरेडी वीडियोस लेकर आया हूँ और आगे भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं।
तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और बहुत ही पावरफुल टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगा, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।